गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट लेवल ए टू जेड। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हम अपने चैनल पे 10 वोकैब की इंपॉर्टेंट क्लास चलाते हैं मंडे टू फ्राइडे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है और डेली लाइफ में बहुत यूज़फुल होती है फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। आज की जो हमारी फर्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स, वो है इनविगोरेट। इनविगोरेट एक वर्ब है जिसकी मीनिंग होती है मजबूत करना, और सिनोनिम है दोस्तों वीवीफाई एंड रेजुविनेट। मजबूत करना या किसी भी चीज़ में जान भर देना या फिर किसी भी चीज़ को सुदृढ़ कर देना। और सिनोनिम में देखिए दोस्तों वीवीफाई और रेजुविनेट दोनों ही काफ़ी अच्छे वर्ड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप इसे ज़रूर माइंड में रखें। और ट्रिक है दोस्तों, इन होते हैं अगर विराट टीम में तो इनविगोरेट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने इन विगोरेट को इन और विराट से रिलेट किया है कि अगर विराट जो है हमारे टीम में इन होते हैं यानी कि रहते हैं तो इनविगोरेट करते हैं यानी कि मजबूत करते हैं। तो ये सच्ची बात है फ्रेंड कि अगर विराट टीम में होते हैं तो टीम को इनविगोरेट करते हैं यानी कि मजबूत करते हैं। लेट्स मूव ऑन टू आर सेकेंड वोकैब। आज की जो हमारी सेकेंड वोकैब है फ्रेंड्स, वो है एविक्शन। एविक्शन एक नाउन है, इसकी मीनिंग होती है बेदखली यानी कि देश निकाला या फिर बेदखल कर देना किसी भी चीज़ से। और सिनोनिम है दोस्तों इजेक्शन एंड बैनिशमेंट। दोस्तों इजेक्शन तो आप जानते होंगे, जैसे कि हम लोग अपने लैपटॉप से भी पेन ड्राइव वगैरह को इजेक्ट करते हैं। और बैनिशमेंट, बैनिशमेंट की मीनिंग भी होती है देश निकाला। और ट्रिक है दोस्तों, छोटे से कन्फ्लिक्शन में एविक्शन सही नहीं है। दोस्तों आप लोग जानते होंगे कन्फ्लिक्ट या कन्फ्लिक्शन की मीनिंग होती है विवाद होना या झगड़ा होना। तो छोटे से कन्फ्लिक्शन यानी कि छोटे से झगड़े में इविक्शन करना सही नहीं है, है ना दोस्तों। छोटे मोटे झगड़े में किसी को बेदखल नहीं करना चाहिए। लेट्स मूव ऑन टू आर थर्ड वोकैब। आज की जो हमारी थर्ड वोकैब है फ्रेंड्स, वो है इरेडिकेशन। इरेडिकेशन एक नाउन है, इसकी मीनिंग होती है उन्मूलन या जड़ से उखाड़ना यानी कि किसी भी चीज़ को खत्म कर देना जड़ से उखाड़ के, या फिर किसी भी चीज़ का खात्मा कर देना। सिनोनिम में दोस्तों एबॉलिश एंड अपरूट। यहाँ पे दोस्तों एबॉलिश जो है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ट्रिक है दोस्तों, रेडिश निकालने के लिए इरेडिकेशन करते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैंने रेडिश को इरेडिकेशन से रिलेट किया है। तो हम सभी जानते हैं कि रेडिश जो होती है वो जड़ ही होती है, ज़मीन के अंदर उगती है। तो उससे निकालने के लिए हमें जड़ से ही उखाड़ना होता है या इरेडिकेट करना होता है ना दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने रेडिश को इरेडिकेट से रिलेट किया है कि रेडिश निकालने के लिए इरेडिकेशन करना पड़ता है। लेट्स मूव ऑन। आज की जो हमारी फोर्थ वोकैब है फ्रेंड्स, वो है आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट एक वर्ब है जिसकी मीनिंग होती है सुस्पष्ट या फिर साफ बोलना। यहाँ पे सुस्पष्ट की स्पेलिंग थोड़ी सी रॉन्ग हो गई है दोस्तों, आप इसे इग्नोर करें। और सुस्पष्ट एंड साफ बोलना है। और सिनोनिम है दोस्तों इलोक्वेंट एंड वोकल। यहाँ पे जो सिनोनिम है दोस्तों इलोक्वेंट एंड वोकल दोनों ही एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको एडिटोरियल्स वगैरह में भी अक्सर मिल जाएंगे। और ट्रिक है दोस्तों, आर्ट नहीं जिनके पास वह आर्टिकुलेट ही बोलते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो होते हैं उनके पास बोलने का बहुत ही अच्छा तरीका होता है, वो आपको ख़राब बातें भी बोलेंगे तो इतने अच्छे से बोलेंगे, इतने आर्ट के साथ बोलेंगे ताकि आपको बुरा ना लगे। और कुछ लोग होते हैं जो भी बोलना है अच्छी बातें या बुरी बातें वो साफ साफ बोलना पसंद करते हैं, उनके पास ऐसा कोई आर्ट नहीं होता, वो डायरेक्टली सारी चीज़ें बोलना पसंद करते हैं। तो यह मैंने ट्रिक बनाई है कि आर्ट नहीं जिनके पास वो आर्टिकुलेट बोलते हैं यानी कि साफ साफ सुस्पष्ट बोलते हैं। लेट्स मूव ऑन टू आर नेक्स्ट वोकैब। आज की जो हमारी फिफ्थ वोकैब है फ्रेंड्स, वो स्क्रैबलिंग। स्क्रैबलिंग की मीनिंग होती है छोटी मोटी बात का झगड़ा यानी कि छोटी मोटी बातों पे झगड़ा करना। सिनोनिम है दोस्तों कैरल, जो कि आप जानते होंगे, और बिकरिंग है। ट्रिक है दोस्तों, पैबल के लिए बच्चे अक्सर स्क्वैबलिंग करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने पैबल को स्क्वैबल से रिलेट किया है। तो आप देखते होंगे छोटे छोटे बच्चे लोग जो हैं पैबल से यानी कि खेलते रहते हैं, तो कई बार छोटे बच्चे जो होते हैं पैबल के लिए स्क्वैबल करते हैं आपस में, ये अक्सर हम लोग देखते हैं। तो यही ट्रिक है। लेट्स मूव ऑन टू आवर सिक्स्थ वोकैब। आज की जो हमारी सिक्स्थ वोकैब है फ्रेंड्स, वो है इनविसेज। इनविसेज एक वर्ब है जिसकी मीनिंग होती है परिकल्पना करना यानी कि किसी भी चीज़ के बारे में सोचना और कल्पना करना। और सिनोनिम दोस्तों विजुअलाइज एंड फॉरकास्ट। ट्रिक है दोस्तों, वीज़ा के लिए इनविसेज करते हैं हम इंडियंस। तो दोस्तों हम इंडियंस जितने भी हैं, हमें फॉरेन कंट्रीज़ में जाना बहुत ही अच्छा लगता है, हम सभी जानते हैं। और ये कहीं ना कहीं क्रेज़ है हम लोगों में कि फॉरेन कंट्री जाना है, तो वहाँ के वीज़ा के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनविसेज करते हैं यानी कि विजुअलाइज़ करते हैं, परिकल्पना करते हैं कि हमें वहाँ का वीज़ा मिल जाए, हम वहाँ चले जाएँ, है ना। तो यही ट्रिक है, वीज़ा को मैंने इनविसेज से रिलेट किया है कि वीज़ा के लिए इनविसेज करते हैं हम इंडियंस। लेट्स मूव ऑन टू आर सेवन्थ वोकैब। आज की जो हमारी सेवन्थ वोकैब है फ्रेंड्स, वो है एडजंक्ट। एडजंक्ट एक नाउन है, इसकी मीनिंग होती है सहायक।
और सिनोनिम है दोस्तों सप्लीमेंट एंड अडेंडम। यहाँ पे अडेंडम जो होता है वर्ड, ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स। और ट्रिक है, एड करने वाले को ही एडजंक्ट कहते हैं। तो दोस्तों अगर आपको एड की मीनिंग नहीं पता है तो मैं बता दूँ, एड की मीनिंग भी होती है हेल्प करना, एड असिस्ट, ये दोनों की मीनिंग होती है हेल्प करना। तो एड करने वाले को ही एडजंक्ट कहते हैं, जो हेल्प करेगा वही तो सहायक होगा ना फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने एड को एडजंक्ट से रिलेट किया है कि एड करने वाले को ही एडजंक्ट कहते हैं। लेट्स मूव ऑन टू आर नेक्स्ट वोकैब। आज की जो हमारी नेक्स्ट वोकैब है दोस्तों वो है ट्रेंट। ट्रेंट एक नाउन है जिसकी मीनिंग होती है काम शोर या बिना अनुमति लिए अनुपस्थित, या इसकी मीनिंग आप दोनों ही ले सकते हो। ऐसे लोग जो अपने काम से बच रहे हो या फिर बिना बोले एब्सेंट हो, प्रॉक्सी क्लास में नहीं हो, ये सारे होते हैं। और सिनोनिम में दोस्तों लेज़ी एंड हुकी। हुकी की मीनिंग यहाँ पे यही है, बिना अनुमति के अनुपस्थित होना। और ट्रिक है दोस्तों, तुरंत एक्सक्यूज़ बना लेते हैं ट्रंट लोग। तो दोस्तों जितने भी ऐसे लोग होते हैं हमारे आसपास, आपको अक्सर ही मिलेंगे जो कामचोर होते हैं या फिर बिना ही रीज़न के, बिना किसी से पूछे एब्सेंट हो जाते हैं, या फिर उनका नेचर इस टाइप का होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, तुरंत ही एक्सक्यूज़ भी बना लेते हैं। आप अगर उनसे पूछो कि नहीं आपने ऐसा क्यों किया, तो उनके पास तुरंत एक्सक्यूज़ होता है। तो यहाँ पे मैंने तुरंत को ट्रंट से रिलेट किया दोस्तों, कि तुरंत एक्सक्यूज़ बना लेते हैं ट्रंट लोग। लेट्स मूव ऑन टू आर फ्रेज। आज की जो हमारी फ्रेज है दोस्तों वो है टू बरी द हैचेट, यानी कि टू मेक पीस, यानी कि शांति बनाए रखना। और ट्रिक है दोस्तों, हैचेट को बरी कर रहे हैं। दोस्तों हैचेट की मीनिंग होती है एक्स, यानी कि कुल्हाड़ी, और बरी की मीनिंग होती है दोस्तों दफनाना। तो अगर आप कुल्हाड़ी को दफना रहे हो तो क्यों दफना रहे हो? कुल्हाड़ी का काम क्या होता है? लोग झगड़ा में अक्सर यूज़ करते हैं ना इसे, तो इसी से मैंने रिलेट किया है कि हैचेट को बरी कर रहे हैं, मतलब झगड़ा खत्म करके शांति बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि आप अगर औजार को अगर रखना चाह रहे हो, उसे बरी कर रहे हो यानी कि दफना रहे हो, तो उसकी मीनिंग क्या हुई कि आप शांति रखना चाहते हो, है ना। तो यही ट्रिक है कि हैचेट को बरी कर रहे हैं, मतलब झगड़ा खत्म करके शांति रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट फ्रेज। आज की जो मेरी लास्ट फ्रेज है दोस्तों वो है योमैन सर्विस, जिसकी मीनिंग होती है सोशल वर्क, यानी कि समाज सेवा। और ट्रिक है, योमैन के लिए सर्विस देना भी एक सोशल सर्विस है। दोस्तों योमैन की मीनिंग होती है छोटे मोटे लोग, किसान या फिर छोटे मोटे ज़मींदार, उन्हें हम योमैन कहते हैं। तो अगर आप योमैन की यानी कि इन छोटे छोटे लोगों के लिए सर्विस दे रहे हो, तो ये भी एक सोशल वर्क है ना दोस्तों। तो यही ट्रिक मैंने बना रखी है कि योमैन के लिए सर्विस देना भी एक सोशल वर्क है। सो फ्रेंड्स, आज की हमारी वोकैब एंड फ्रेजेस कंप्लीट हो चुकी है, अब हम करते हैं रिवीजन। आज की जो हमारी लास्ट फ्रेज थी दोस्तों वो थी ह्यूमन सर्विस, जिसकी मीनिंग थी समाज सेवा। और ट्रिक थी, ह्यूमन के लिए सर्विस देना भी सोशल वर्क है। आज की जो हमारी नाइन्थ फ्रेज थी दोस्तों वो थी टू बरी द हैचेट, जिसकी मीनिंग थी शांति बनाए रखना। और ट्रिक थी, हैचेट को बरी कर रहे हैं, मतलब झगड़ा खत्म करके शांति बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। आज की जो हमारी एट्थ में वोकैब थी फ्रेंड्स वो थी ट्रंट। ट्रंट एक नाउन थी जिसकी मीनिंग थी कामचोर या बिना अनुमति के अनुपस्थित होना। और ट्रिक थी, तुरंत एक्सक्यूज़ बना लेते हैं ट्रंट लोग। आज की जो हमारी सेवन वोकैब थी फ्रेंड्स वो थी सहायक। और ट्रिक थी, एड करने वाले को ही एडजंक्ट कहते हैं, यानी कि हेल्प करने वाले को ही सहायक कहते हैं। आज की जो हमारी सिक्स वोकैब थी फ्रेंड्स वो थी इनविसेज। इनविसेज की मीनिंग थी परिकल्पना करना। और ट्रिक थी, वीज़ा के लिए इन विशेष करते हैं हम इंडियंस, यानी कि वीज़ा के लिए परिकल्पना करते हैं हम इंडियंस। आज की जो हमारी फिफ्थ वो कैब थी फ्रेंड्स वो थी स्क्वैबलिंग, जिसकी मीनिंग थी छोटी मोटी बात का झगड़ा। और ट्रिक था, पेबल के लिए बच्चे अक्सर स्क्वैबलिंग करते हैं, यानी कि पेबल के लिए अक्सर बच्चे छोटे मोटे झगड़े करते रहते हैं। आज की जो हमारी फोर्थ वो कैब थी फ्रेंड्स वो थी आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट की मीनिंग थी साफ साफ बोलना या स्पष्ट बोलना। और ट्रिक थी, आर्ट नहीं है जिनके पास वो आर्टिकुलेट ही बोलते हैं, यानी कि आर्ट जिनके पास नहीं है वो साफ साफ बोलना ही पसंद करते हैं। आज की जो हमारी थर्ड वोकैब थी फ्रेंड्स वो थी इरेडिकेशन, जिसकी मीनिंग थी उन्मूलन या जड़ से उखाड़ना। और ट्रिक थी, रेडिश निकालने के लिए इरेडिकेशन करते हैं, यानी कि रेडिश निकालने के लिए हम लोग उन्मूलन करते हैं या जड़ से उखाड़ के निकालते हैं उसे। आज की जो हमारी सेकंड वोकैब थी फ्रेंड्स वो थी इविक्शन। इविक्शन की मीनिंग थी बेदखली। और ट्रिक थी, छोटे से कन्फ्लिक्शन में इविक्शन सही नहीं है, यानी कि छोटे से लड़ाई झगड़े में इविक्शन नहीं करना चाहिए, यानी कि बेदखली नहीं करनी चाहिए। आज की जो हमारी फर्स्ट वोकैब थी फ्रेंड्स वो थी इनविगोरेट। इनविगोरेट की मीनिंग थी मजबूत करना। और ट्रिक थी,
इन होते हैं अगर विराट टीम में तो इनविगोरेट करते हैं, यानी कि अगर विराट जो है टीम में होते हैं तो इनविगोरेट करते हैं यानी कि मजबूत करते हैं टीम को। सो फ्रेंड्स, आज की हमारी वोकैब एंड फ्रेजेस कंप्लीट हो चुकी है। मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि आपको अगर हमारी वीडियो सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें, नहीं पसंद आती है तो डिसलाइक भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।